दोस्तों नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स करने में 41 महीने लगे, फेसबुक को 10, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, जबकि चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स करने में 5 दिन लगे। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद, मेरा नाम आमिर है। और अगर आप YouTube या किसी भी दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म पे थोड़े एक्टिव हैं तो आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना जरूर होगा। जिस तरह 2020 कोविड का साल था, Estimating that 15 million deaths occurred globally due to the pandemic. 2021 was the year of Bitcoin. Thank goodness we got Bitcoin and Ethereum at record highs. 2022 में NFTs और Metaverse का चर्चा था। Digital artwork sold at Christie's for nearly $70 million. वहाँ मेरे ख्याल में 2023 AI यानी कि Artificial Intelligence का साल होने वाला है, क्योंकि नवंबर 2022 के आखिर में एक AI chatbot का prototype launch किया जिसका नाम है चैट जीपीटी। लेकिन ये चैट जीपीटी है क्या, इसे समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो दोस्तों हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो पिछले कुछ अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी जैसे टूल्स जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि निस्बतन एक नई चीज है। इस लफ्ज जेनरेटिव को आप एक सेकेंड जहन में रखें। सादा लफ्जों में जेनरेटिव एआई का मकसद होता है कि डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करके नया और यूनिक कॉन्टेंट जेनरेट किया जाए। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो एटलीस्ट मैंने मेन स्ट्रीम में देखा था वो था डाल-ई, जो कि एक इमेज जेनरेशन टूल है जिसमें आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करें तो वो उस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक एक इमेज जेनरेट करता है। वो चीज कितनी ही अजीबोगरीब क्यों ना हो, मिसाल के तौर पे ये है एक पोलर बेयर जो कि कंप्यूटर पे बैठ के वीडियोस एडिट कर रहा है, ये एक गाड़ी है जिसपे पाकिस्तान फ्लैग का कैमो लगा हुआ है, यहाँ एक टाइगर ने सनग्लासेस पहने हैं और अब ये टाइगर वोट डालने गया है। आप इससे कुछ भी ड्रॉ करवा सकते हैं और ये ना सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है बल्कि उस इंस्ट्रक्शन को लेकर कंटेंट जनरेट करता है। ये है जेनरेटिव एआई। लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी ने जेनरेटिव एआई का लेवल भी प्रो मैक्स कर दिया है। चैट जीपीटी भी उसी कंपनी ने बनाया है जिसने डाली बनाया, इनका नाम है ओपन एआई और ये एक रिसर्च कंपनी है जिसका मकसद है कि एआई को इंसानों के फायदे के लिए डेवलप किया जाए। और गेस करें इसके फाउंडिंग मेंबर्स में कौन है, अपना बॉय इलॉन मस्क। वो बाद में अलग हो गया था इलेक्ट्रिक कार्स, सैटेलाइट इंटरनेट और मार्स जाने की मसरूफियात की वजह से, लेकिन अब भी इलॉन मस्क ओपन एआई का एडवाइजर है। और फिर 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी ओपन एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए। माइक्रोसॉफ्ट का प्लान है कि वो चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन बिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। ओ भाई बस भी कर बता दे, ये चैट जीपीटी है क्या? तो चैट का मतलब तो आपको पता है, जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। और इसका काम यह है कि यह आपसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, उन्हें समझता है और आपके लिए यूनिक और इंटेलिजेंट रिटन रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। इसे डिजाइन किया गया है कि यह इंसानों की जुबान एक इंसान की तरह समझ सकता है और फिर उस पर इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करता है। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे इंटरनेट की वसी नॉलेज के साथ डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के जरिए ट्रेन किया गया है, जिसकी वजह से अलग अलग किस्म के लोग इससे तरह तरह की फंक्शनैलिटी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने एसेज लिखवा सकते हैं, प्रोफेशनल्स अपना ऑफिस का काम करा सकते हैं, ये मैथ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, न्यूज आर्टिकल्स भी लिख सकता है, ट्वीट भी कर सकता है, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट और पाइथन में स्क्रिप्ट्स भी लिखवा सकते हैं, वेब डेवलपर्स इससे HTML और CSS में स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, आप चाहें तो इससे कहानियां, गाने, शेर व शायरी भी लिखवा सकते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के लिए भी मेरा प्लान था कि मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा। Here's what happened. मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे 15 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट लिख दो। स्क्रिप्ट के लिए इसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए और जब चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स आया तो मुझे इसकी पावर भी दिखी और इसकी वीकनेस भी समझ में आई। इसकी पावर यह है कि इसने मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक क्लीन स्क्रिप्ट मुझे बना दी, लेकिन ये स्क्रिप्ट किसी भी तरह से 15 मिनट की वीडियो की नहीं थी, तो ये चीज इसके रिस्पॉन्स में एक फ्लॉ था। और ये भी नोट करें कि चैट जीपीटी के मेन पेज पे ही मेंशनड है कि इसके आंसर्स फैक्चुअली भी गलत हो सकते हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि चैट जीपीटी को चलाने के लिए आपको इसको थोड़ा फिनेस करना पड़ता है, थोड़ा गाइड करना पड़ता है, कभी कभार अपनी क्वेरी थोड़ी चेंज करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है मैंने चैट जीपीटी की बनाई हुई स्क्रिप्ट इस वीडियो के लिए नहीं इस्तेमाल की, लेकिन जब मैं अपनी स्क्रिप्ट बना रहा था तो मैंने उसमें काफी सारा इनपुट चैट जीपीटी से ही लिया। और चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के बाद मेरा कंक्लूजन ये है कि द स्काई इज द लिमिट विद दिस। आए दिन मैं यूट्यूब पे चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के नए
और इनोवेटिव तरीके देख रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल में चैट जीपीटी की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये अभी भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इस वक्त चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 चल रहा है और जैसा कि आपको पहले बताया था, इसका पहला प्रोटोटाइप पिछले साल नवंबर के एंड में लॉन्च किया गया है, तो हार्डली 2 महीने हुए हैं इसको। और फिलहाल इसके अंदर काफी सारी दूसरी वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि इस वक्त ये सिर्फ 2021 तक की डेटा पे ट्रेंड है, तो उसके बाद के इवेंट्स और डेवलपमेंट्स का इसे नहीं पता होगा। और यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है, तो अक्सर औकात ये जो रिस्पॉन्सेज आपको देता है वो पढ़ने में तो बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं, बड़े वेल रिटन होते हैं, लेकिन एक्चुअली चैट जीपीटी छोड़ रहा होता है या फेंक रहा होता है, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात कर रहा होता है, तो इसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी इस वक्त नहीं है। लेकिन ये सोचें कि वक्त के साथ साथ जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाएगी, वैसे ही इसकी कंटेंट जनरेशन एबिलिटी भी बेहतर होती जाएगी, और फिर हम ये टेक्नोलॉजी अपने घर में, वर्चुअल असिस्टेंट्स में और इवन रोबोट्स में देखेंगे, जो कि ना सिर्फ एक इंसान की तरह हमारी बातों का कॉन्टेक्स्ट समझ सकेंगे बल्कि उसका जवाब भी एक इंसान की तरह देंगे। अब जाहिर है मेरे जैसे टेक एंथुजियास्ट तो ऐसी टेक्नोलॉजी को बहुत ही एक्साइटमेंट से देखते हैं और बहुत ही मुफीद समझते हैं, लेकिन दिन ब दिन ऐसे प्रोफेशंस और ऐसे शोबे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जिनको चैट जीपीटी से थ्रेट है कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। इसमें बहुत से शोबे हैं जैसे कि कॉपीराइटर्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। फिर यहाँ ये भी कंसर्न है कि स्टूडेंट्स इसे नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकेंगे चीटिंग करने के लिए और अपना होमवर्क कराने के लिए, और लोग जनरली इससे एक्सपर्टीज को फेक कर सकेंगे। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी अक्सर औकात बहुत सी मार्केट्स को डिसरप्ट करती है, वहां टेक्नोलॉजी से नई अपॉर्चुनिटीज भी जन्म लेती है। जैसे कि आपको पहले बताया, मैं डेली वीडियोस देख रहा हूं जहां लोग चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, नए नए तरीके निकाल रहे हैं चैट जीपीटी से अपना काम आसान करने के लिए और इवन पैसे बनाने के लिए। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि आपके चैट जीपीटी पे क्या ख्याल हैं, क्या आप इसको एक पॉजिटिव चीज समझते हैं या नेगेटिव, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैट जीपीटी से अब तक कोई भी इंटरेस्टिंग चीज कराई है तो वो भी मैं नीचे कमेंट्स में जानना चाहता हूं। अगर आपने चैट जीपीटी यूज नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें। और हाँ, अब हम टिकटॉक पे भी हैं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह।